शॉपिंग फेस्टिवल शॉप शॉप फॉर 5,000 एंड चांस टू विन सब फारिग है। 40,000 की शॉपिंग के बाद मैंने कूपन डाला था यहाँ पे पिछले साल और कद्दू निकला था मेरा कद्दू। 40,000 तो मैं खुद परचेज कर चुका हूँ, इनाम तो निकलता नहीं है। 40,000 के कूपन मैंने खुद डाले इसमें और 1 रुपया नहीं निकला। बेसिकली माँ बाप खुद ही जो है ना औलाद को इसी तरह छोड़ के निकल जाते हैं और ये कितना डेंजरस जो है जगह पे खड़े हुए हैं ट्रॉली के साथ। माँ बाप फारिग हो के चले गए, बेटा ख्याल रखना। प्रोटीन की क्या, हम में तो हर चीज़ की कमी है। फूडीज मैं हूँ लगीवन में और मैं आया हुआ हूँ इतनी शॉपिंग के लिए। और फूडी भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? यार आज शॉपिंग करने आए तो दो फूडी भाई आए हैं, एक फूडी भाई शॉपिंग करवा रहे हैं। अच्छा सफायर पे जो है वो 3,000 से स्टार्ट है और फिर वो बढ़ता है 4,000-5,000 तो स्टार्ट ही 3,000 से सफायर पे। और दूसरा फूडी भाई फूड कोर्ट में खाना ऑर्डर कर रहा है। क्या खा रहे हो? चाइनीज खा रहे हो? तो बेचारे दोनों को काम पे लगाया हुआ ताकि टाइम कम से कम बचे। रमजान ईद करीब है, रमजान खत्म होने वाला है भाई। लकी वन जो है ना बेहतरीन टाइम है आने का, अफतारी के कुछ देर बाद रश नहीं होता है, शॉपिंग भी हो जाती है। जलबेरी में जो है वो 2,000 से शुरू है लेकिन कोई वैरायटी इतनी खास नहीं है, और 2,000 से शुरू है फिर वो 3,000-5,000 लेकिन वैरायटी इतनी खास नहीं है। 685-749-820 रश बढ़ चुका है भाई लकी वन में, बहुत रश हो गया। अब खाड़ी की सिचुएशन अभी ये है कि जो प्रिंट्स रमजान से पहले 2,000 रुपए के थे अब वो प्रिंट्स हो गए हैं 3,500 रुपए के, मतलब 1,500 रुपए। आधे घंटे बाद डील आ गई। पहले तो ये ट्राई करेंगे, लखानी सेल्स 50% ऑफ है, 20% ऑफ है। जो चीजें 1500 की 2000 की थी लास्ट ईयर वो 3500 से शुरू हो रही है यहाँ पे, 3,000-3500। तो बहरहाल मैंने ये ट्राई किया, ये थोड़ा स्मोकी हुआ था, इसमें ज्यादा मेरे ख्याल में ओवर कुक हुआ हुआ है, थोड़ा ना धुएं का मुझे टेस्ट आ रहा था। अच्छा चावल जो है थोड़े सौगी ज्यादा थे और चावल की क्वालिटी भी कोई अच्छी यूज नहीं की हुई इन्होंने, बहुत ही छोटे मेरे ख्याल में ये होंगे कोई 220 वाले चावल। हाँ ये कदरे बेहतर है, इनका जो टेम्पूरा है ये कदरे बेहतर है, क्रिस्पी है। 770 की डील है और 100 रुपये पर टैक्स के साथ ये 870 का पड़ता है आपको। ये मैं चाइना ग्रिल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे माहौल बड़ा गर्म है भाई, बहुत महंगाई हो गई है। एक्सक्यूज मी यार, रिक्वेस्ट ये करनी थी, ये जो पुरानी आयत है आप लोगों ने रखी हुई है ना, ये जमीन पर रखी हुई है, ये बेअदबी है। जमीन से पुरानी आयत नहीं, सिर्फ तर्जुमा है जो भी है यार, वो भी लिखा हुआ है जो भी है, आप जमीन पे तो रखा हुआ है ना उसको, जमीन तो टच हो रही है। रिक्वेस्ट है बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोगों का अपना वो है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों कोशिश ये किया करो भाई कि ये जो पुरानी आयतें हैं ना ये आप जमीन पे मत रखो, ये जमीन पे आपने रखा हुआ है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि काइंडली इसको थोड़ी ऊंचाई पे रखें ताकि बेअदबी ना हो। अब इसी तरह लकी वन में ये चौथा कलमा लिखा हुआ है, ये भी आप देखें, ये बेअदबी होती है भाई, थोड़ी ऊंचाई पे रखो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से।